उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लगभग 38 सीट जीतने के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। सभी लोग इस जीत को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेहनत और पीडीए को लेकर जो काम किया गया है उसका नतीजा है। जनता ने इस बार भाजपा की नीतियों को नकार दिया है और उसे बता दिया है कि नकारात्मक राजनीति हमेशा काम नहीं करती। अब बारी 2027 की है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व था, जो पीडीए का नारा था और जो टिकट चुनाव में उन्होंने चिन्हित किए, ये काफी बेहतर थे। इस बार मजबूत कैंडिडेट लोकसभा में उतारे गए, जो कि जनता भी चाह रही थी, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं तानाशाही का अंत करना चाहती थी, हिटलरशाही का अंत करना चाहती थी। जिस तरीके से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू की है, उसी तरीके आज जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। आज देखिए, मेन अयोध्या ही देख लीजिए, अयोध्या से हमारे जो लोकसभा सांसद हैं, जो पूर्व अब विधायक ही कहा जाएगा क्योंकि अब वो सांसद हो चुके, अवधेश कुमार जी सांसद हो चुके, जबकि अयोध्या में मंदिर बनाने का काम बीजेपी ने किया था, जबकि मंदिर बनाने का काम बीजेपी ने नहीं किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बना था, जो कि बीजेपी अपना क्रेडिट लेना चाह रही थी। और जनता की, अयोध्या की जनता ने भी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बीजेपी को मुंह की दिखाई है कि हिटलरशाही का अंत होगा और आने वाली 2027 में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की गद्दी बैठ के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।